नमस्कार, जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए देखते हैं आज की खबरें। जबलपुर पहुंची केंद्रीय मंत्री संपत्ति औके। जबलपुर सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री संपत्ति औके ने पूर्व ग्रामीण क्षेत्रों को भी नल जल योजना का लाभ देने का आश्वासन दिया। तो वहीं संपत्ति औके ने कमलनाथ के रामपत्र को लेकर कहा कि कमलनाथ ने रामपत्र लिखकर एक अच्छा काम किया है और सभी को ऐसा करना चाहिए क्योंकि श्री राम हम सभी के आराध्य हैं। जो विभाग मुझे जो जिम्मेदारी हमारे यशस्वी देश के गौरव प्रधानमंत्री जी ने और यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो जिम्मेदारी दिया है वो वाकई में काफ़ी चैलेंजेस है। और जिस तरह से यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हर घर घर से नल से जल पहुंचाने की योजना उन्होंने बनाई है तो निश्चित ही उनकी जो सोच है कि दुरुस्त हर गांव तक हर घर तक अच्छा शुद्ध पेयजल मिले तो उस पर हम काम कर रहे हैं और काम करेंगे। और अभी चूँकि अभी मुझे मिला है तो निश्चित ही अभी मैं विभाग को समझ रही हूँ और जो ऐसे गांव छूटे हुए हैं जैसे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री की मंशा है कि खासकर जनजातीय क्षेत्र ऐसे बहुल क्षेत्र जहाँ पर जंगल पहाड़ में रहने वाले ऐसे गाँव जहाँ पर 50 घर भी हैं वो घर भी ना छूटे ऐसी हमारी मंशा है और उनको हम लोग फिर से रिव्यू करा रहे हैं और विभाग के माध्यम से सभी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले सभी संस्थाओं से मैंने निवेदन करती हूँ। आप सब लोगों से भी निवेदन करती हूँ कि कहीं ऐसे कोई गांव आप लोगों के नॉलेज में है तो आप लोग बताएं ताकि उनको हम जोड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। और अच्छा जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी की माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि हर घर से हर नल से घर तक पानी मिले उसकी हम पूरी प्रयास करेंगे। तो ये तो अच्छी बात है, सबको लिखवानी चाहिए। राम तो हमारे आराध्य हैं, प्रभु श्री राम, तो यदि वो राम राम का नाम ले रहे हैं तो अच्छी बात है, सबको लेना चाहिए। ऐसे ही आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़ जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।